An Academy. Let's crack it. Hello students, welcome you all guys. Welcome you all to An Academy platform. I am Ankit Sharma and we are going to discuss this question from your CAT 2021 guys. This question is based on the topic time and work guys. So let's read the question first guys. Anu, Vinu and Manu can complete a work in 15, 12 and 20 days respectively. Vinu works every day. Matlab Vinu roz kaam karta hai guys. Anu works only on alternate days guys. Starting from the first day. Matlab first day Vinu aur Anu work karne wale hain guys. Manu works only on alternate days from the second day. और सेकंड डे विनू और मनु वर्क करने वाले हैं गाइस, इट इज क्वाइट ऑबवियस. देन द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इज व्हाट. सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक अल्टरनेट वर्क वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस का एक अच्छा मेथड होता है. वो आपको बहुत अच्छे से आता है तो भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो नहीं भी आता है तो भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो काफी इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं गाइस, अनु, विनू और मनु. सो फॉर अनु, विनू एंड मनु देयर आर सेपरेट डेज for each 15, 12 and 20 days respectively. So I think सभी को ये method पता है student के total work हमें assume करना होता है total work. तो अगर मैं यहाँ मान लूँ students के उन्हें total 60 unit work करना है, हम कुछ भी assume कर सकते हैं guys. Question को easy बनाने के लिए हमने total work को 60 assume कर लिया है. मतलब ये question क्या बन गया है कि अनु भी 15 days में 60 work कर सकता है, विनु 12 डेज में 60 वर्क कर सकता है और मनु जो है वो 20 डेज में 60 वर्क कर सकता है. तो आप यहाँ बोलेंगे देन वी विल कैलकुलेट वन डे वर्क गाइस. मतलब अगर ये 15 डेज में 60 वर्क करता है तो वन डे में 4 वर्क करेगा, 12 डेज में अगर 60 वर्क कर लेता है तो ये वन डे में 5 वर्क कर लेगा, और अगर मनु 20 डेज में 60 वर्क करता है इसका मतलब वन डे में 3 वर्क करता होगा, दैट्स इट. लेकिन स्टूडेंट्स अब ये काम कर कैसे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कितना किस पैटर्न में काम कर रहे हैं गाइस, इस बात को आपको समझना होगा. विनू आपका डेली वर्क करने वाला है गाइस. सो विनू आपका डेली वर्क करेगा, फर्स्ट डे वर्क अनु ज्वाइन करने वाला है विनू को फर्स्ट डे बेटा. तो फर्स्ट डे विनू और अनु वर्क करेंगे, नेक्स्ट डे विनू और मनु वर्क करेंगे. ये बात आपको किस तरह क्लियर होनी चाहिए, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि फर्स्ट डे वी प्लस ए मतलब Anu works on only on alternate days starting from the first day. मतलब first day ये आया है Vinu के साथ, second day Vinu के साथ Manu आएगा. But the amount of work that will be completed in the first day will be 4 plus 5 that is 9 only. Yes or no guys? And similarly guys, if I talk about the amount of work that will be completed on the second day by Vinu and Manu together will be 5 plus 3 that is nothing but 8. So students, in the pair of 2 days 17 वर्क विल गेट कंप्लीटेड. और एक अच्छा तरीका और होता है स्टूडेंट्स करने का, लेकिन हम इसको इसी तरीके से कर रहे हैं बिकॉज मैं मान के चल रहा हूं कि आप अभी जीरो लेवल पर. तो यहां अगर हमें 17 डेज मिल जाता है स्टूडेंट, सॉरी 17 वन डे वर्क मिला है गाइस, मतलब वन डे में वी प्लस ए 9 वर्क करेंगे, वी प्लस एन 8 वर्क करेंगे, तो 2 डेज के अंदर 17 वर्क हो रहा होगा. स्टूडेंट्स 2 डेज में अगर 17 वर्क हुआ है, 2 डेज में अगर 17 वर्क हुआ है तो अगले 2 डेज में, अरे पहले दिन विनु प्लस अनु आए, अगले दिन विनु प्लस मनु आए, तो इन्होंने इन 2 दिन के अंदर 17 वर्क कर दिया. क्या अगले 2 दिन में वापस v प्लस a और v प्लस m आएंगे और ये वापस 17 वर्क कर देंगे? v प्लस a और v प्लस m आएंगे वापस, तो वापस 17 वर्क हो जाएगा. तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब ये 6 दिनों के अंदर टोटल 51 वर्क हैज गॉट कंप्लीटेड. यहां हमने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स कि इन 6 डेज 51 यूनिट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड. तो स्टूडेंट्स आउट ऑफ टोटल 60 यूनिट वर्क अगर 51 कंप्लीट हो चुका है तो रिमेनिंग बचा कितना है गाइस? सभी को ये बात पता है बच्चों कि रिमेनिंग वर्क जो अब बचा है सर, रिमेनिंग वर्क मींस आरडब्ल्यू,
वो बचा है 60 माइनस 51, दैट इज 9 यूनिट ओनली। और अब नेक्स्ट वीक काम करने आएगा कौन स्टूडेंट, अगर v प्लस ए वी प्लस एम वी प्लस ए वी प्लस एम वी प्लस ए वी प्लस एम, तो यहां आपको पता पड़ता है बच्चों नेक्स्ट डे विनु प्लस अनु वर्क करने आएंगे, और वो वन डे में 9 यूनिट वर्क कर सकते हैं गाइस, वो वन डे में 9 यूनिट वर्क कर सकते हैं। तो आपको ये पता पड़ा बच्चों कि 17th डे काम करने आएंगे विनु प्लस अनु, और वो वन डे में 9 यूनिट वर्क कर देंगे। तो आपको ये पता पड़ता है सर कि टोटल वर्क आपका 60 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, और जो डेज आपको लगे हैं गाइस वो आपको 7 डेज लगे हैं, वो आपको 7 डेज लगे हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउएवर आई एम डैम श्योर कि काफी बच्चे इस तरीके को जानते हैं कि 17 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 से जस्ट छोटा नंबर मिल गया। ये 51 जो मिला है बच्चों, इस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दो अल्टरनेट डेज के पैर में काम हो रहा है। तो 6 डेज के अंदर 51 वर्क हो चुका है, ये बात समझ में आती है। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट डे अगर बी प्लस ए आए, सेकंड डे बी प्लस एम आएगा, थर्ड डे बी प्लस ए आएंगे, मतलब सभी ऑड डेज पे बी प्लस ए आने वाले हैं, मतलब सभी ऑड डेज पे 9 यूनिट वर्क होने वाला है। तो आप बोलोगे सर 7th डे जो होगा 9 यूनिट वर्क हो जाएगा, तो आपको पता पड़ा कि 7 दिनों में आपका 60 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आई एम डैम श्योर कि आप सभी को ये क्वेश्चन एकदम किस तरह क्लियर है गाइस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर अमेजिंग क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।